गुड इवनिंग दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट एंड फिफ्थ एपिसोड ऑफ द लेक्चर. हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे सारा का सारा सेल टॉपिक के बारे में, जिसमें बेसिक जो था हमारा फर्स्ट लेक्चर से सेल का स्ट्रक्चर्स, सेल थ्योरी और सारा टर्म. फिर हमने स्टडी की थी सारे वेरियस ऑर्गेनेल्स की. जो भी ऑर्गेनेल्स हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सारा हमने बात किया था. अगर मैं शुरुआत करूँ तो आप याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फिर बात की थी राइबोसोम्स, गॉल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स. फिर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स की, दैट इज प्लास्टिड की बात किए थे. हम लोग बात किए थे वैक्यूल्स का, और भी है परोक्सीजोम्स वगैरह. दैट मीन्स इसमें से अब जो है ऑर्गेनिज्म में हमारा माइक्रोबॉडीज भी है, जो हमारा बच गया आज के टॉपिक में कंप्लीट होगा वो. बट जो मेजर एज पर योर एनसीईआरटी जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो सारा हम लोग फंक्शन वाइज, स्पेसिफिक रिएक्शन वाइज, अगर स्पेसिफिक फंक्शन वाइज हम लोग कंप्लीट किए थे. अगर मैं आपसे बात कहूँ तो अब जाके सेल्स पूरा पूरा कंप्लीट होने के बाद हमारा जो मेजर इशू बचता है वो ये बचता है एस्पिरेंसियाटी, हाउ एंड व्हाई सेल डिवाइड. तो हम लोग अगर बात करते हैं व्हाई सेल एंड हाउ सेल डिवाइड, अगर मैं इस पॉइंट्स पे नोटिस करूं तो आपको मैं दो चीज टर्म बताना चाहूंगा. पहला जो टर्म है हमारा वो हमारा याद रखिए, अगर मैं बात करता हूँ न्यूक्लियस के डिवीजन का, दैट मींस अगर मैं बात करूँ आपसे जो हमारा न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा तो टर्म आता है कैरियोकाइनेसिस. दैट मींस ये हो गया आपका न्यूक्लियस का डिवीजन. अब जो पॉइंट आती है, फिर एक मैं बात करूँगा, इसमें हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन का मतलब आपको ये समझना है साइटोप्लाज्म का डिवीजन. क्या समझना है? साइटोप्लाज्म डिवीजन. तो इस चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे व्हाई सेल डिवाइड. तो आइए हम लोग थोड़ा सा इस पे क्वेश्चंस मेंशन करें. तो जब क्वेश्चंस आप मेंशंस करेंगे व्हाई सेल डिवाइड एंड हाउ सेल डिवाइड, तो सबसे पहला ये चीज समझिए. अब यहाँ पर हमारा क्या आता है, एक कोई भी मैं बेसिक सेल से ले लूँ, इसके अंदर मॉलिक्यूलर्स मूवमेंट होंगे. तो मैं लिखता हूँ पॉइंट्स, याद रखिए, एज मॉलिक्यूलर मूवमेंट टेक्स प्लेस, जो हमारे विटामिन्स होंगे, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो हमारे सब्सटेंस होंगे, जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होंगे टेक्स प्लेस, तो हमारा सेल्स ग्रोथ कैन अकर्स, ग्रोथ हो सकता है. ये डिपेंड करता है जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं दो टाइप्स के. एक की मैं बात करूं तो आप ये जानेंगे, हम लोग इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक, एक को हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक. कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, एक हमारा कंस्ट्रक्टिव हो गया, एक डिस्ट्रक्टिव हो गया. एज अ रिजल्ट हमारा ग्रोथ होगा सेल्स का. जब ग्रोथ की मैं बात करूंगा तो जो इसकी साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा. सेल अगर लार्ज हो जा रहा है इस टाइप से ग्रोथ करेंगे सेल्स के, ये न्यूक्लियस का भी ग्रोथ हो जाएगा. दैट मीन्स जो साइटोप्लाज्म की बात करूं, ये साइटोप्लाज्म में ग्रोथ हो जाएगा. अब अगर साइटोप्लाज्म में ग्रोथ हो गया है तो आपको ये ध्यान रखना है अब जो हमारा रेशियो मेंटेन करने के लिए, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे टू मेंटेन द साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो. आप लिखिए पॉइंट टू मेंटेन
टू मेंटेन मेंटेन साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियो प्लाज्मिक रेशियो आवर सेल डिवाइड्स। अब बात करते हैं सारे स्ट्रक्चर्स के बाद, जब सेल डिवीजन की मैं बात करूं तो आप ये ध्यान रखेंगे अब जो हमारा सेल्स है वो डिवाइड होगा, और सेल डिवीजन का जो तरीका है उस तरीके पे हम लोग बात करेंगे, प्रोसेस पे बात करेंगे। तो आप ये देखेंगे न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो रिप्लेस ओल्ड सेल्स डेड को रिपेयर करने के लिए और इंजर्ड सेल्स को रिपेयर करने के लिए, है ना, एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर फॉर रिप्रोडक्शन। इतने सारे प्रोसेसेस हैं एज पर यूर एनसीईआरटी, इसके लिए सेल डिवीजन होना बहुत ही जरूरी है। तो जब सब सेल की मैं बात करूँ, सेल डिवीजन बेसिकली टू टाइप्स से होंगे। तो द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन्स। और मैं अगर बात करूँ इन यूनिसेलुलर, आप ये नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके पॉइंट, इन यूनिसेलुलर सेल डिवीजन इट सेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो दोस्त ये याद रखना है आपको, जो हमारा सेल है जहां पर न्यू सेल्स फॉर्म होंगे हम उनको सेल डिवीजन की बात कहेंगे, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब सेल डिवीजन होता है दैट मीन्स फ्यूजन की मैं बात करूं, आप ये क्लास 8 में पढ़े होंगे, तो वो भी हमारा एक रिप्रोडक्शन का पार्ट है जो इटसेल्फ। अब दो दो मेन प्रोसेस है सेल डिवीजन का, एक है हमारा माइटोसिस, दूसरा है हमारा मियोसिस। अब अगर मैं बात करूं माइटोसिस की मियोसिस की, सेपरेटली इस चैप्टर में दोनों पढ़ेंगे। तो आगे पॉइंट देखना है, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड स्पेशली फॉर ग्रोथ की मैं बात करूं तो हम लोग पॉइंट लिखते हैं माइटोसिस। तो दो डिवीजन है हमारा, एक माइटोसिस याद रखना है, एक मियोसिस याद रखना है, जो जनरली बॉडी में ग्रोथ की बात हो। जब एक सेल डिवाइड होंगे आप याद कीजिए ह्यूमन का लाइफ एक सेल से स्टार्ट होता है, दैट इज जायगोट यूनिसेलुलर से, और आज जाके हम लोग अगर बात करें एट द एज ऑफ सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ वी हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडीज, इनफैक्ट 100 trillions ऑफ सेल्स। जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं उनका रीजन क्या है कि उसमें क्या हुआ होगा, माइटोसिस, एज अ रिजल्ट आज आपको सेल्स देखने को मिल रहे हैं। बट मैं अगर बात करूं गैमेट फॉर्मेशंस की, अगर मैं बात करूं आप ये देख सकते हैं गैमेट फॉर्मेशंस की, तो गैमेट फॉर्मेशंस के लिए जो हमारा सेकेंड प्रोसेस है वो हमारा सेल्स डिवीजन हो जाएगा, आपको नाम आएगा मियोसिस। इन आप अगर हम बात करें माइटोसिस में, तो इच सेल्स कॉल्ड मदर सेल्स डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल सेल्स, ये आपको याद रखने हैं। और जो सेल्स हमारा डिवाइड होता है तो ये हमारा एक सेल हो गया पेरेंट, जब ये डिवाइड हो तो हम इसको बोलते हैं डॉटर सेल्स। क्या बोलते हैं? डॉटर सेल्स। और जो डॉटर सेल्स होंगे दे मे बी स्मॉलर और इनफैक्ट ऑफ सेम साइज की मैं बात कर सकता हूं, बट आपको जनरली ये सेम साइज के नहीं मिलेंगे, स्मॉलर सी मिलेंगे। अगर मैं बात करता हूं डॉटर सेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, अगर क्रोमोजोम का नंबर सेम है, इनफैक्ट मैं ह्यूमन की बात करूं 46 क्रोमोजोम्स हो, इसमें भी 46 हो, इसमें भी अगर 46 हो, दैट मीन्स ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आइदर इट इज मेल और फीमेल द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज ऑलवेज फिक्स्ड, इन दैट केस वी कैन से द सेल डिवीजन इज ऑफ माइटोसिस टाइप्स। कैसा डिवीजन हुआ होगा? माइटोसिस टाइप्स का हुआ होगा। बट अगर मैं बात करूं जब सेल्स का क्रोमोजोम्स, मान लीजिए सर डिवीजन में
कोई प्रॉब्लम हो या कोई तरह का एबनॉर्मलिटीज आ जाए तो क्या ये नंबर सेम रहेगा? बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। इन दैट केसेस हमारा सर्टेन डिजीज भी हो सकता है और कुछ अब हम लोग बात कर सकते हैं। दैट मीन्स लॉ को फॉलो नहीं होगा। दैट मीन्स ये आपको पढ़ना हायर क्लासेस में। दैट मीन्स सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोजोम डज नॉट टेक प्लेस इक्वली। आइए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे। तो जब हमारे बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेल्स हो और वैसे सेल्स हेल्प करेंगे ग्रोथ में, रिपेयर में। आई स्पेसिफिक सेल ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। अब यहां से याद रखना, व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स मैं आपको यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, आप ये याद रखिएगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हमारे जो होते हैं, आप ये पढ़े होंगे इनफेक्ट फ्लावर में भी, एनिमल में भी, ह्यूमन में भी, क्लास 8 में आपको याद होगा। दैट मीन्स टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल। तो ये जो टेस्टिस है और जो ओवरी है बेटा, आपको ये याद रखना है, ये दो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं। और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स जो है हमारे, और जो टिश्यू होंगे एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी, डिवाइड होंगे टू फॉर्म गैमेट्स। दैट मीन्स इसके अंदर जो डिवीजन होगा, सेल डिवीजन का, जहां पे हमारा गैमेट का फॉर्मेशन होगा, उस गैमेट का जो प्रोसेस कहलाएगा फॉर्मेशन का, वो कहलाएगा आपका मियोसिस। और आफ्टर विच जो हमारे गैमेट्स होंगे वो फर्टिलाइज होके हमारे ऑफस्प्रिंग को ग्रो करेंगे। और जो ऑफस्प्रिंग को ग्रो करेंगे, दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ हैप्लोइड सेल्स की, इसकी क्रोमोजोम की नंबर 23 हो जाएंगी इन केस ऑफ ह्यूमंस। और जब ये आपस में फर्टिलाइज करेंगे, दैट मीन्स फ्यूज करेंगे, तो ये फिर से ह्यूमन के जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं उनकी जो क्रोमोजोम की नंबर है 46, उनको ये रीस्टोर करेंगे। दैट मीन्स स्पेसीज वाइज, सेल वाइज क्रोमोजोम का नंबर फिक्स्ड रहेगा। ये बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। बट इसमें क्या होगा, ये दो डिफरेंट पेरेंट्स के गैमेट फ्यूज होंगे, तो गैमेट का फॉर्मेशन जो हमारा मियोसिस कहलाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं हाउ द माइटोसिस एंड मियोसिस टेक्स प्लेस। तो माइटोसिस की मैं अगर बात करूं, दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस। वो माइटोसिस हो जा रहा है नॉर्मली, और मियोसिस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, विच इन्वॉल्व टू कंसिक्यूटिव डिवीजन। और टू कंसिक्यूटिव डिवीजन होंगे तो मैं कह सकता हूं मोर और लेस सिमिलर टू माइटोसिस। हालांकि ये एग्जैक्टली होता नहीं है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होते हैं, बट हम सिमिलर टू माइटोसिस कह सकते हैं। व्हेन सेल डिवाइड बाय मियोसिस इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स। ये आपको याद रखना है। इसीलिए हम लोग, अगर मैं बात करूं तो आप ये याद रखेंगे, माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो माइटोसिस का याद रखिएगा, एक टर्म में मैं लिख दे रहा हूं इक्वेशनल डिवीजन, बिकॉज क्रोमोजोम नंबर इज सेम ड्यूरिंग द प्रोसेस। अगर मैं बात करूं मियोसिस की, तो मियोसिस में क्या लिखेंगे हम लोग? रिडक्शनल। मैं आगे आऊंगा स्लाइड पे। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी 4 सेल्स बने इंस्टीड ऑफ जस्ट टू, दो ना बन के ये क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा 2। मतलब 4 बनना चाहिए मियोसिस में, बट अगर मैं बात करता हूं माइटोसिस में 2 बनता था। इस तरह से द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स देन दैट ऑफ मदर सेल्स। इफ द मदर सेल्स हैव 2 क्रोमोजोम, देयर डॉटर्स हैव 1 क्रोमोजोम्स एंड द नंबर ऑफ द सेल इज 4, सो कैरिंग 1 क्रोमोजोम इन इच। अब आप ये कह सकते हैं हाउ इज इट पॉसिबल सर्स, अगर क्रोमोजोम की नंबर आप 2 ले रहे हैं और इसमें 1 1 1 1 कर दे रहे हैं, तो अगर मैं अमाउंट की बात करूं, ऊपर हमारा अमाउंट 2 है और नीचे हमारा हमारा हो जाएगा 4, दैट मीन्स डबल, ये कैसे? आइए हम लोग बात करते हैं। तो पहले कैन यू थिंक एज व्हाई द क्रोमोजोम नंबर हैव रिड्यूस्ड टू हाफ, ऐसा क्यों होगा? आइए हम लोग बात करेंगे दोनों डायग्राम के बेसिस पे। तो सबसे पहला मैं आपको डायग्राम के बेसिस पे समझा देना चाहूंगा। तो ये हमारा फिगर आप देख रहे हैं माइटोसिस का है। अब यहां पर ये ध्यान रखना है, ये मेरा नॉर्मल सेल्स हो गया। जब मैं ये नॉर्मल सेल्स की बात कर रहा हूं, हमारे बॉडी की कोई भी पार्ट की ये सेल्स हो सकती हैं। अब इस सेल्स में आप ये देखेंगे एक प्रोसेस आएगा, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशंस।
और डीएनए कहां प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। इसीलिए जब डीएनए का डिवीजन करवाएंगे तो क्रोमोजोम का डिवीजन हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहां पे प्रोसेस हम लोग क्या लिखेंगे? तो प्रोसेस हो जाएगा हमारा कैरियोकाइनेसिस। क्या हो जाएगा? कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। अब आप ये समझिए, पहले मेरा फोकस इस पे है कि मैं दो न्यूक्लियस को डिवाइड करना बता दूं। आफ्टर देन जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा द प्रोसेस टर्म्ड एज कैरियोकाइनेसिस एंड आफ्टर देन साइटोप्लाज्म गेट डिवाइड व्हिच वी टर्म्ड एज साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो हम लोग फोकस करेंगे न्यूक्लियस के डिवीजन पे, कैरियोकाइनेसिस पे। तो यहां पर एक लिया गया है आपको न्यूक्लियस, जिसमें हमारे क्या करना है, डीएनए का समझना है पैटर्न। तो ये क्रोमोजोम्स हो सकते हैं, आप ये समझ लो फिलहाल। और ये भी हमारा है, ये प्रेजेंट है। अब पहले ये क्या किया, डीएनए रेप्लिकेट, दैट मीन्स ये अपना एक कॉपी बनाए, ये एक अपना कॉपी बनाए। अब यहां पर ये दिख जाएगा वो एक इस तरह से, ये चार। अब ये चार एक जगह सेपरेट है, अब इनका स्प्लिटिंग होगा तो कुछ हमारे ऊपर चले जा रहे हैं फाइबर से, दैट मीन्स सेंट्रियोल इसको हेल्प करता है सेपरेशन में। अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो पहले क्या किए, अमाउंट को डीएनए डबल किए, पहला स्टेप्स। दूसरा सेपरेशन किए, ये हो गया दूसरा स्टेप्स। अब तीसरा मैं अगर बात करूं, सेपरेट हुआ और एज इस तरह से क्या हो गया, ये आपको सेल प्लेट का फॉर्मेशन बाय विच हमारा देख बीस क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा। और ऊपर एज अ रिजल्ट ये हमारा जो न्यूक्लियस है वो सेपरेट हो गया और क्रोमोजोम्स मेंटेन रहा, तो टर्म क्या रहा, दो डिप्लॉइड सेल्स हो गया। क्लियर है यहां तक? तो जो आप याद रखिएगा, ये दोनों हमारा क्या है, क्रोमोजोम नंबर सेम है। अगर मैं इसकी बात करूं, एक हमारा रेड कलर का दिया हुआ है, एक मेरा आपका लगभग लगभग ब्लू पैटर्न का दिया हुआ है। ये दो पैटर्न आपको सेम डिज एज ए पैरेंटल्स मिल जा रहे हैं। आप इस तरह के डिवीजन को कहेंगे माइटोसिस। क्लियर है बच्चों? अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब ये सेकेंड पढ़ना आपको, दैट मीन्स मियोसिस। और इसके लिए टर्म आप यूज करेंगे, दैट मीन्स मैं आपको बता दूं रिडक्शनल डिवीजन। क्या यूज करेंगे? रिडक्शनल डिवीजन। अब ये जो रिडक्शनल डिवीजन की मैं बात कर रहा हूं, आप ये देखेंगे क्रोमोजोम नंबर्स इसमें हमारे जितने होने चाहिए, अगर मैं बात करूं इनके हाफ हो जाएंगे। तो सपोज इनको आप मान लीजिए, एक इनको मान लीजिए, ठीक है। अब ये सेल्स हो गए 2n, दैट मीन्स इस सेल्स को हम लोग बोल सकते हैं ये हो गया है डिप्लॉइड। अब देखिए मैं आपको एक टर्म बता दूं, जब सेल डिवीजन होता है दे फॉलो अ सर्टेन पैटर्न ऑफ साइकिल, दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल। तो उसमें हमारा पहले आता है इंटरफेज, फिर आता है हमारा दैट मीन्स माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में आप आगे जाके पढ़ेंगे पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो आप ये देखिएगा इंटरफेज में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहां पर आप लिखेंगे डीएनए अमाउंट इज डबल, डी ओ यू बी एल ई, ये डबल हो जा रहा है। अब आप यहां से यहां कंपेयर कर सकते हैं ब्रांड वाइज भी और आपको कलर वाइज भी। तो जितने ही ब्रांड इधर दिख रहे हैं, एक दो तीन और चार, अब ये डबल हो चुका है। अब ये डबल होने के बाद सेपरेशन, दैट मीन्स दो ऊपर दो नीचे, एज हैपनिंग बिफोर इन द प्रोसेस माइटोसिस। तो मियोसिस वन यहां पर इसीलिए लिखा गया है, सेपरेशन दो बार होंगे तो हम लोग कह सकते हैं मियोसिस वन सिमिलर टू माइटोसिस। तो हमारा क्या हो गया, जो अमाउंट डबल हुआ वो पहले सेपरेट हुआ एंड आफ्टर देन फिर ये भी हमारा सेपरेट हो जा रहा है और बन जाएगा हैप्लोइड, दैट मीन्स चार सेल। ये भी हमारा माइटोसिस के सिमिलर है क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर भी करेंगे, प्लस ये याद रखेंगे फिर से अमाउंट सेपरेट हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है माइटोसिस के तरह। तो आपको फोर सेल्स मिलते हैं, वन टू थ्री फोर, एंड वी ऑब्टेन फोर हैप्लोइड सेल। आप ये याद रखेंगे फोर हैप्लोइड सेल एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस टू। अगर मैं बात करूं तो मियोसिस टू में चार मिलेंगे हैप्लोइड में, इसलिए बोल रहा हूं डीएनए कंटेंट हमारे पेरेंटल सेल से हाफ
होंगे। अब ये आप देख सकते हैं डायग्राम में कि सर ये पूरा का पूरा ब्लू कलर का है और ये पूरा रेड है, बट एज अ रिजल्ट ये पूरा रेड है और थोड़ा सा इस पे रेड भी आ गया है, ये रेड है थोड़ा ये भी आ गया है, ये आ गया है, ये आ गया। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं आपस में क्रॉसिंग ओवर हुआ, दैट मींस ये और ये क्रोमोजोम आपस में सेम भले हैं बट ये और ये सेम नहीं है, आपस में डिफरेंट है, बने इसी से हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है जब मियोसिस होता है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो आपको एक डिफरेंस पढ़ाया गया होगा, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस। जब आप इस डिफरेंस की बात किए होंगे तो ए सेक्सुअल में लिखे होंगे नो गैमेट फॉर्मेशन, दैट इज नो फर्टिलाइजेशन, नो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। और जबकि मैं बात करूं व्हाइल इन द पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा क्या हुआ होगा, ये आप याद रखेंगे, गैमेट फॉर्मेशन भी हुआ होगा, क्रॉसिंग ओवर भी हुआ होगा और फर्टिलाइजेशन होगा, तो डिफरेंट गैमेटिक या जायगोटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे बाय विच हम लोग क्या होंगे, लुक्स सिमिलर टू आवर पेरेंट्स, नॉट एग्जैक्टली टू द सेम। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमारा मियोसिस, याद रखिए। और एक वर्ड यहाँ पर जो बचता है वो होता है होमोलोगस क्रोमोजोम। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा पैटर्न यहाँ डिवीजन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये पैटर्न, एक ये पैटर्न, और यहाँ पर चार मैंने बना दिया हूं, तो ये चार जो है आफ्टर डिवीजन आपस में सेम होंगे, तो नाम दे दिया गया है होमोलोगस क्रोमोजोम्स। अब देखिए आफ्टर सेल डिवीजन आपका ये पॉइंट होता है एस्परेंसियाटी बुक टोटली समाप्त। अब मैं आपको तीन अदर आप कह सकते हो ऑर्गेनेल्स और माइक्रो बॉडीज की मैं चर्चा करूंगा, जिसके लिए आपसे 2 से 3 मिनट चाहिए, ताकि आपको मैं वो भी बता दूं जो आपके क्वेश्चन पैटर्न पे भी हो, प्लस कोई आपसे अगर पूछ दे तो आपको ये बेसिक तीन ऑर्गेनेल्स या माइक्रो बॉडीज का नाम याद रहना चाहिए, जिससे आप हायर क्लासेस में भी आप आसानी से टर्म्स को याद रख के आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला हमारा आता है स्फेरेजोम्स, दूसरा है पेरोक्सीजोम्स, तीसरा है ग्लायोक्सीजोम्स। तो आप ये याद रखेंगे जो हमारा स्फेरेजोम्स है वो अकर्स होता है ओनली इन प्लांट सेल्स, और मैं बता दूं ये मेजर साइट्स हैं लिपिड स्टोरेज के, और मैं बात कर दूं सिंथेसिस के भी इन प्लांट्स। दूसरा जो हमारा पेरोक्सीजोम्स की मैं बात करूं, ये भी हमारा पाया जाएगा एनिमल सेल्स में और कंसर्न होंगे विथ हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब H2O2 हार्मफुल सब्सटेंस होता है, जब मैं अगर बात करूं हमारे बॉडीज में ये एंट्री हो या फॉर्मेशन हो थ्रू मेटाबॉलिज्म, तो इनको रिमूव करने का काम, या हम लोग बोल सकते हैं परऑक्सीजन प्लांट्स में भी अगर H2O2 बन जा रहा है उनको ब्रेक करके ऑक्सीजन बाहर करने का काम, या फोटो रिस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। अगर मैं थर्ड ऑर्गेनेल की मैं बात करूं माइक्रो बॉडीज की, ग्लायोक्सीजोम अकर ऑनली इन प्लांट स्पेशली इन फैटी सीड्स, एग्जाम्पल के तौर पे कैस्टर हो गया, ग्राउंड नट सोसीड हो गया, गार्ड सेल्स में ही पाए जाएंगे, स्टोमाटा एंड अनराइप जो कच्चा फ्रूट सब खाते हैं वो सब में भी पाए जाएंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था हमारा एज पर सेल्स सारा का सारा समाप्त होता है। अब कुछ जो की पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखने हैं। अगर ऑनलाइन क्वेश्चंस मैं करवाऊं तो बायो थ्योरेटिकल पोर्शंस है उसमें लेंथी टॉपिक हो जाएगा, तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं इसको करना है, और आपको जो भी डाउट्स होंगे आप नेक्स्ट क्लास में या फिर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो पहला सबसे क्या करना है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर्स यू हैव टू सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आप ये जानते होंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप इजीली अवेलेबल कर सकते हैं, एनसीईआरटी के द्वारा एक प्रैक्टिस बुक बनाई गई हुई है जो कि पूरी पूरी एनसीईआरटी पैटर्न की होती है, आप इसको मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है कहीं डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं बात कर रहा हूं, फिर आफ्टर देन आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज बनानी है, फिर जाके सैंपल पेपर्स बनाने हैं, तब जाके आपके एग्जाम्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट में कह सकते हैं कि सर कम से कम 2 से 3 स्लाइड हमारा क्वेश्चंस का हो, तो मैं आपको 2 से 3 स्लाइड क्वेश्चंस एज इट इज मैं आपको वीडियो लेक्चर्स के दौरान दे दिया करूंगा, जिससे आप स्क्रीनशॉट लेके घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत जल्दी लगभग दूसरे क्लास में हम लोग मिलेंगे, सेकेंड जो बायोलॉजी का क्लास होगा वो टिश्यू का होगा, आप उसको पढ़ के आइएगा और कोशिश कीजिएगा सारे अच्छे तरीके से क्लास अटेंड करते हुए साथ में क्वेश्चंस भी पूछे। सो हम लोग मिलेंगे, थैंक यू सो मच नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए गुड बाय।